हम धन्य हैं, अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमारे सामने भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं, राम भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मंदिर के निर्माण के साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में देश में राम राज्य आएगा। सारा देश गदगद है, प्रसन्न है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ प्रदेशवासियों, बहनों और भाइयों, 4 अगस्त की रात को और 5 अगस्त की रात को हम अपने अपने घर मंदिर निर्माण के लिए आनंद का प्रकटीकरण करने दीपक जलाएं, विद्युत बल्ब की लड़ियां जलाएं। अपने घर के बाहर नहीं जाना, लेकिन घर में रहकर इस उत्सव को मनाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस अवसर पर प्रदेश के मंदिरों में भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, हमको घर के बाहर नहीं जाना है, लेकिन पुजारी ही विशेष पूजा करेंगे करें, और ओरछा यहाँ भगवान राम राजा का मंदिर है, भगवान राम राजा विराजते हैं इस प्रदेश के, तो राजा वही हैं, तो विशेष रूप से ओरछावासी सजाएं, बिना घर के बाहर निकले आनंद मनाएं, मंदिर में पुजारी विशेष रूप से पूजा अर्चना करेंगे और भगवान राम की कृपा और आशीर्वाद सबसे सब पर बरसे इसकी प्रार्थना करेंगे। चित्रकूट में भी भगवान राम की केवल मंदिरों में ही पूजा की जाएगी। याद रखें, कोरोना का संकट है, घर के बाहर नहीं निकलना है। मंदिर में भी पुजारी ही पूजा करेंगे, लेकिन हम सब घर बैठकर भगवान राम की भक्ति में डूब जाएंगे और ये प्रार्थना करेंगे भगवान सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, कोरोना जैसी महामारी से देश मुक्त हो, दुनिया मुक्त हो, और रामराज का जो आदर्श था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काबू नहीं व्यापा, ये चरितार्थ हो। धन्यवाद।